भाई काफी खतरनाक मूसलाधार बारिश में आपके वीरू भाई की मेहनत देखो भाई, रंग क्यों नहीं ला रहे समझ में नहीं आ रहा यार। हेलो दगड़ियो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, पैलाग अटक झटक पहाड़ यूट्यूब चैनल में मैं बिरुड़थवाल देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत हसीन वादी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो यार दोस्तों, आज के व्लॉगिंग की शुरुआत मेरी है मॉर्निंग से, और भाई मॉर्निंग के अभी बजे हैं 9 और धूप देवता भी आसमान में काफ़ी दूर तक निकल पड़े हैं। इसी खूबसूरती के साथ भैया आज के व्लॉगिंग की शुरुआत भी हो चुकी है, और अभी मैं आ रखा हूँ अपने शॉप से बैलों को हंकाने के लिए, और ठीक सामने है अपनी शॉप जहाँ पे भैया लजीज लजीज स्वादिष्ट मोमोज बनते हैं। ये देखे भाई, यहीं पे अपना स्टॉल कंटिन्यू लगता है, और यहाँ पे ठीक सामने वाटरफॉल है, जो कि भाई स्टॉल से वाटरफॉल का व्यू बहुत खूबसूरत आपको देखने को मिलता है। और अभी मैं जा रहा हूँ भैया बैलों को हंकाने के लिए अपने खेतों पे, और ये देखो भाई हिसालू किरमोड़े भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगे हैं पेड़ों पर। ये देखो तो भैया ये है का हिसालू, तो काफ़ी स्वादिष्ट फल होते हैं, और मैं इसको भैया पहाड़ी में बोलता हूँ पहाड़ी स्ट्रॉबेरी। ये देखो यार दोस्तों, पहाड़ों पे अब ना एक से एक जंगली फल भी लगने लगे हैं। काफल हो गया, घिंगारू, एक घिंगारू है इसको घिंगारू कहते हैं, और काफल हो गया, पहाड़ी स्ट्रॉबेरी हो गई, काफ़ी प्रकार के अभी पहाड़ी फल पहाड़ों में उगने लगे हैं, जो कि भाई खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं, बिल्कुल रसीले रसीले बिल्कुल मीठे मीठे फल होते हैं। इसके बाद थोड़े दिनों में घिंगारू भी पैदा हो जाएगा, हिसालू हो गए, बहुत ज़्यादा मात्रा में पहाड़ी फल पहाड़ों में उगते हैं, जो कि खाने में भाई बहुत स्वादिष्ट होता है और मिनरल से भरपूर भी होते हैं भाई, जो बहुत टेस्टी होते हैं यार। बैलों को हकाने के बाद अभी मैं पहुंच गया हूं अपने स्टॉल पे, और यहां पर आज गीतिल आ रखी है, चाची आ रखी है, राजू भाई हो गया, और साथ में अपना फुंतरू भाई, और इसी के साथ साथ बहुत खूबसूरत सा नज़ारा आपको देखने को मिल रहा होगा अपने बिरसी वाटरफॉल का, जो कि मैंने आपको बताया था। अभी भैया दिन का समय और धूप सर पे ऐसी खतरनाक चढ़ी हुई है ना, और पर्यटक भी काफ़ी कम आए, लेकिन दूसरे वाले सेक्टर पे वाटरफॉल की तरफ बहुत ज़्यादा पर्यटक आए थे, हमारी दुकान में बहुत कम आए थे, आज आए ही कहाँ थे, मतलब बहुत कम तो दूर की बात है। और इसी के साथ साथ भाई मौसम बहुत खूबसूरत सा हो रखा, आसमान में थोड़े बहुत बादल हैं, धूप देवता इतने चटक लगे हैं, बिल्कुल खोपड़ी है ना ये पूरा चमक रहा है। और इसी के साथ साथ नदी में बच्चे अभी नहा रहे थे, और मेरे बलदेव भी आ चुके हैं, इनको भैया मैं अब ले जाता हूँ घर, और घर से फ़ोन में फ़ोन आ रहे पिताजी की खाने के लिए, जल्दी आ करके चल कल्लू चलते हैं घर, चल चलो, और एक यहाँ है एक यहाँ पे घास चल रहा है, चलो यार भाई लोग चलो चलते हैं, तो फटाफट से निकलो जाता हूँ भैया घर। मैं पहुंच गया हूँ अभी घर, और गायों को मम्मी ने बांध दिया है, बल्दों को मम्मी ने बांध दिया है यहाँ पे, ये देखो ये यहाँ पे है बल्दों का अड्डा। और घर आते ही भाई आसमान में बादल लग गए हैं और धूप देवता छिप चुके हैं, तो घर का नज़ारा ऐसा है। और आजकल ना खेतों पे मक्के वगैरह बोने का काम चल रहा है मेरी जगह, और ठीक दूसरे खेत पे भाई आजकल मिर्ची बोने का काम चल रहा है, और यहाँ से हमारे घर से भाई बिरथी वाटरफॉल देखो बहुत खूबसूरत सा लगता है यार। खाना भी बन चुका है, तो गीता परोसने के लिए तैयार कर रही है, बर्तन निकाल दिए ऊपर से सोने के बर्तन, वाह। तो पिताजी ने देखो मेरे हिस्से का तरबूज लुका रखा था अभी तक, भाई कितना लाल लाल तरबूज है, वाह। तो फटाफट से तरबूज खाता हूँ, फिर उसके बाद खाना खाऊंगा, है मैं खाऊंगा ठंडा पानी, तो चलो खाते हैं खाना। है बाप रे, दिया था वो भी छीन लिया, वाह, ओ बड़ा वाला मिल रहा था, गुड यार, बाप रे, थैंक यू थैंक यू। तो ईजा भी आ गया, इस खाए हैं तो चलो मैं तरबूज खाता हूँ, और मम्मी लोग खाना अपना परोसते हैं, फिर उसके बाद खाएंगे। मम्मी परोसने लग गई है खाना, और भाई आज खाने में स्पेशल डिश बनाई गई है पिताजी के द्वारा, की बना रही हो पनीर के गुटके जैसे दिख रहे मुझे, तो घर के चावल और पनीर की सब्जी, आय हाय हाय। तो भाई पिताजी के पिताजी के द्वारा बनाया गया पनीर भाई इतना स्वादिष्ट होता है ना, मजा आ जाता है, तो कभी आओ आपको भी खिलाएंगे, खिला लेना बाबू, घर में आए हुए मेहमानों को नहीं खिलाएंगे। बात तो सही है,
तो परोस भी दिया जाने खाना, और ठंडा ठंडा पानी भैया सोने के गिलास में हम पियेंगे। भाई चोरी करने मत आना भाई, कोई सोने के नहीं है, पीतल के हैं, नहीं कांसे के हैं। क्यों नहीं, सोने के ही हैं यार। तो फटाफट से खाते हैं फिर चलते हैं भैया दुकान की ओर। क्या कह जाए कितना जो तो चलो खाते हैं खाना। खाना खा लिया है, अब फिर से दुकान की ओर निकलते हैं। और अभी मौसम ऐसा रखा भाई, खाना खाने के बाद ये देखो बिल्कुल रंगीन चटपटा सा। तो ये मौसम आपको, ये नज़ारा आपको कैसा लगा एक बार कमेंट कर दो यार भाई। ये यहाँ पे अपना घर, और घर से ठीक देखो झरना दिखता है। इस बार ना दोस्तों इस पहाड़ी पे मधुमक्खियों ने सबसे ज़्यादा छत्ते बना रखे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो तो गिनो भाई कितने ज़्यादा छत्ते लगा रखे हैं इस वाले एरिया पे। और ये है अपने गांव का खूबसूरत सा तालाब, जो कि भाई बहुत खूबसूरत लगता है। थोड़े दिनों बाद ना ये पूरा तालाब भर के बहुत ही बड़ा डैम का रूप ले लेगा। तो भैया गाँव के बच्चे देखो भाई किरमोड़ा खाने लग गए नहा धो के। भाई देखो ऐसे मजे ले रहे हैं, आप बताओ। मोमोज के कस्टमर आए हुए थे और बाहर काफी खतरनाक बारिश, तो फटाफट से देख के आता हूँ। ठीक है यू, तो भाई काफी खतरनाक मूसलाधार बारिश में आपके वीरू भाई की मेहनत देखो भाई, रंग क्यों नहीं ला रहे समझ में नहीं आ रहा यार। टूरिस्ट देखो भाई ये बिल्कुल ऐसे ही ला रहे, भीगते ऊपर गए होंगे ना वाटरफॉल पे, तो भीगते हुए आ रहे मस्त एंजॉय के साथ। तो यार भैया काफी भीषण बारिश के बाद अभी रुक चुकी है, और अभी हमसे मिलने के लिए आ रखे हैं हमारे दाजू और दाजू के प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, जो कि मेरे खूबसूरत से सब्सक्राइबर भी हैं। तो ये देखो ये तो सबसे बेहतरीन सब्सक्राइबर ये है अपना छोटा भाई भतीजा। हेलो, नाम क्या है? देवांश धामी है। तो दाजू अपने पूरे फैमिली के साथ आ रखे हैं, और भाभी लोग यहाँ पे हैं। ओ भाभी मुझे हेलो कहो, कल रहा उठ के। ओह ये तो दाजू अपने पूरी फैमिली के साथ आ रखे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और दाजू बिल्कुल चाउमीन खिलाएंगे, दाजू का जबरदस्त वाला है आज की रानी झरझर आर्मी वाला ना तठाऊ ना। तो कुछ ऐसा माहौल है, और खूबसूरत मौसम, खूबसूरत नज़ारा, और प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स। भाभी और भैया और सब्सक्राइबर सभी जा चुके हैं, और अभी देखो भाई बारिश और भी खतरनाक वाली बारिश हो गई है, और टीन बिल्कुल पड़पड़ाट करने लग गए हैं, और चारों तरफ ऐसा माहौल है बिल्कुल गंभीर माहौल, और वाटरफॉल ये रहा ऐसा माहौल है भैया। तो भाई खतरनाक वाली बारिश हो गई है, अब घर में जाएं तो जाएं कैसे हैं, और अपनी जयगुआर यहाँ पे बिल्कुल मास्क करके नहा रही है यार भाई। आज भाई जयगुआर ने फुल मजे लिए भाई बारिश के, तो कुछ ऐसा माहौल हो रहा है भाई। और धीरे धीरे भाई ठंडा भी काफी होने लगा है, क्योंकि बारिश आती है ना इतना ठंडा होता है, इतना ठंडा होता है बता नहीं सकता। और आज मेरा जैकेट भी घर ही रह गया, इसलिए भाई बहुत ही चिल्ड वाला सीन हो रहा है। तो कुछ ऐसा माहौल है, फटाफट से मोमो बनाते हैं, कोई आ गए तो ठंडे ठंडे मौसम में मोमोज खा गए तो अलग ही मजा है। तो फटाफट से मोमो बनाते हैं भाई। तो भाई काफी खतरनाक मौसम हो चुका है, और बारिश देखो भाई काफी भयंकर लग रहा है, जैसे बाढ़ आ जाए परलय आ जाए, तो बहुत खतरनाक बारिश हो रही है भाई, खतरनाक वाली यार। ये देखो रोड है पूरी गाढ़ आनी गाढ़, ओ भाई नदी बह रही है नदी। थोड़े देर बाद भाई वाटरफॉल बहुत खतरनाक भरने वाला है।
ठेले के नीचे भाई भरपूर नदी आ गई है। अब जाए तो जाए कहा, मोमो बनाए तो बनाए कैसे राजू भाई, कैसे बनाए मोमोज यार, समझ नहीं आ रहा। ओ भाई, और गड़म चढ़म काफी खतरनाक होती हुई, और भाई तेज इतनी बारिश हो रही है क्या ही बताऊं। ये देखो भाई पूरे रोड पे नदी बह रही है नदी। दोस्तों फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं, और भाई देखो अभी भी काफी खतरनाक वाली बारिश अभी चल ही रही है। नीचे साइड से तो बड़ी भयंकर बारिश चल रही है, और हल्की फुल्की बूंदाबांदी अभी हो रही है, और तो रात हो गई है तो चारों तरफ लाइटें जलने लगी हैं धीरे धीरे करके, और आसमान देखो भाई अभी भी काफी खतरनाक तरीके से गरज रहा है। और कल्लू यहाँ पे क्या कर रहा है पता नहीं, क्या कर रहा है कल्लू, भिग्या बारिश आ रही है भाई आज तो, उल्टी सुलटी बारिश चल रही है ना, टिन सेट होने के बावजूद भी पानी यहाँ पहुंच रहा है यार आज तो। दोस्तों पापा की तो चल रही है मस्त पूजा, और गीता बना रही है बढ़िया स्वादिष्ट वाला खाना, और मैं भी पहुंच चुका हूं घर, तो अब फटाफट से फ्रेश वगैरह होते हैं और इस व्लॉग को करते हैं इसी के साथ एंड। और आज बड़ा भयंकर वाला मौसम हुआ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं नए व्लॉग पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुश रहिए मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए गीतू पहाड़न अटक जटक पहाड़ यूट्यूब चैनल को। बाय दोस्तों, खिचकानी, और आज खाने में भाई खाना स्पेशल खिचकानी।